गैस। आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू चीज़ मत बोलिए मुझे। और क्या करती है? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। आ जाओ, चल पुलिस के पास चल। क्यों जाऊं? आ जाओ, आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेन कर देंगे। इस वीडियो को देखकर यकीनन आप भी कुछ देर के लिए सन्न रह गए होंगे। देखिए कितना बेखौफ होकर ये ऑटो ड्राइवर एक फीमेल पैसेंजर के साथ बदतमीजी कर रहा है। और ना केवल बदतमीजी, इस ऑटो ड्राइवर ने गुस्से में आकर बीच सड़क महिला पैसेंजर को थप्पड़ तक जड़ दिया। अगर आप महिला हैं या फिर किसी महिला साथी के लिए अक्सर ऑनलाइन राइड बुक करते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप राइड बुक करने से पहले 100 बार सोचेंगे। पूरा वीडियो दिखाएंगे आपको, इससे पहले आपको मामले की जानकारी दे देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मामला बेंगलुरु का है, जहां एक ओला ऑटो ड्राइवर राइड कैंसिल करने पर लड़कियों पर भड़क गया। लड़की दूसरे ऑटो में जाकर बैठी तो ऑटो वाला सामने खड़ा हो गया। वो ड्राइवर सीट के पास आकर लड़की को धमकाने लगा। जब ऑटो ड्राइवर लड़की से बदतमीजी करने लगा तो उसने कहा कि वो पुलिस में शिकायत करेगी। हालांकि इसके बाद भी ऑटो वाला पीछे नहीं हटा, उल्टा लड़की को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने की जिद करने लगा। गुस्से में आकर ऑटो वाले ने सारी हदें पार कर दी, यहाँ तक कि लड़की को थप्पड़ तक मार दिया। आइए आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। आप चिल्ला क्यों रहे हो? आप चिल्ला क्यों रहे हो? तेरे बाप देते हैं क्या गैस? यहीं पे था भैया, 1 मिनट दूरी था आपका ऑटो। आप चिल्लाइए मत और गाली मत दीजिए, ठीक है? ये फालतू चीज़ मत बोलिए मुझे। और क्या करती है? मैं पुलिस के पास जाऊंगी। आ जाओ, चल पुलिस के पास चल। क्या हो गया तो कर दिया? आप कैंसिल नहीं करते कभी हम लोग का राइड? आप लोग नहीं करते कभी कैंसिल किया है ना? तो हमारी क्या गलती हो गया दो तो? और क्या हो गया? रुक, आज चल पुलिस स्टेशन को। मैं क्यों जाऊँ? मेरी मर्जी, मेरे को जाना होगा मैं जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना होगा नहीं जाऊंगी। मैं अलग पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? आ जाओ, आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है, हम कंप्लेन कर देंगे। और जो थप्पड़ मारा मुझे उसका क्या करूँगा? थप्पड़ क्यों मारा मुझे? ये वीडियो बेंगलुरु जैसी मेट्रो सिटी में महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठाता है। सोचिए, राइड कैंसिल करने जैसी मामूली बात पर ड्राइवर इतना भड़क गया। उसे ना कानून का डर है और ना ही अपनी कंपनी की पॉलिसी का। बीच सड़क ड्राइवर की बदतमीजी का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों का गुस्सा फूटा। लोग ओला और बेंगलुरु पुलिस से इस ऑटो चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, वाह राइड कैंसिल किया तो तमाचा मारा, पुलिस में कंप्लेन हो जाता तो ऑटो वाला क्या क्या करता। और जबकि स्थानीय लोग ड्राइवर को डिफेंड कर रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, अगर उसने राइड कैंसिल की तो उसे कैंसिलेशन फीस देनी होगी और कंपनी ड्राइवर को पैसे देगी, लेकिन ड्राइवर को किसी को थप्पड़ मारने या आक्रामक तरीके से पेश आने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई आपके आसपास नहीं था तो वो और भी खतरनाक हो सकता था, उसका लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए और पुलिस केस दर्ज किया जाना चाहिए। हालांकि इस वीडियो पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो ऑटो चालक की तरफदारी करते नजर आए। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, पहला उसने जो भी किया वो बिल्कुल गलत था, उसे इसके लिए दोषी माना जाना चाहिए। दूसरा, उसे अपराधी के तौर पर मत फंसाओ, कभी कभी हालात की वजह से ये चीजें हाथ से निकल जाती हैं। उसका चेहरा ऐसा नहीं लगता कि वो अपराधी है, पारिवारिक तनाव की वजह से ऐसी हरकतें होती है। इस वीडियो को लेकर लोगों की राय दो हिस्सों में बंटती नजर आई। हालांकि ये बात सही है कि राइड कैंसिल करना ऑटो चालक के लिए तनावपूर्ण हो सकता था, लेकिन इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि राइड कैंसिल करना न केवल ड्राइवर बल्कि आपका भी अधिकार है। कंपनी की ओर से बकायदा ऑफिशियली ये ऑप्शन दिया गया है, इसके लिए आपको कैंसिलेशन फीस भी देनी होती है। बहरहाल लड़की के राइड कैंसिल करने को कुछ लोग गलत बता रहे हैं, और अगर इसे मान भी लिया जाए, लेकिन क्या ऑटो ड्राइवर का इस तरीके से बर्ताव करने को सही ठहराया जा सकता है? आपके विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। मैं क्यों जाऊँ? मेरी मर्जी, मेरे को जाना होगा मैं जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना होगा नहीं जाऊंगी। मैं अलग पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं आपके साथ क्यों जाऊँ?
आपका फोन नंबर है, आपका गाड़ी नंबर है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।